हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये मैं बना रही हूँ मेरे बेटे के लिए स्कूल टिफ़िन के लिए, है ना, यम्मी लग रहा। और उसके बाद मैं बैठ गई खुद नाश्ते करने बेटे को भेजने के बाद, और मैं अपनी ही रील वीडियो को देख रही थी, कितने लाइक्स आए, कमेंट्स आए, व्यूज़ आए। मैं FB पर रील वीडियो बनाती हूँ ना, संध्या एक्का के नाम से। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप भी देख सकते हैं मेरी रील वीडियो सब। और उसके बाद मैं आ गई किचन का काम करके, घर ठीक ठाक करने। वैसे झाड़ू तो कर लिया था मैंने, फिर भी कुछ काम बाकी था। ये देखिए, मेरे बेटे ने टेडी बियर का एक आँख निकाल दिया खेलते खेलते, देख रहे हैं। तो मैंने चश्मा पहना दिया कि दिखाई नहीं देगा, ख़राब लग रहा था। और ये देखिए, मैं स्टार्ट कर ली काम करना। और ये मैं अपने अलमीरा हैं जितने भी मेरे, सबको मैं सही से अरेंज करने लगी। कपड़े सामान सब थोड़े अस्त व्यस्त हो गए थे ना, तो सारे को मैं बेड पे निकाल के फिर से उसको सही से फोल्ड करके, सारे में जितने भी सेल्फ थे सब में मैंने कपूर डाला, जिसे नेप्थोलिन बॉल बोलते हैं। तो सारा जगह को साफ़ करके, पेपर सारा डाल के फिर से सबको मैंने अच्छे से अरेंज किया। और यही करते करते मेरा आज का जो है पूरा दिन निकल गया फ्रेंड्स। और सिर्फ एक अलमीरा रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। हमारे यहाँ 5 अलमीरा हैं, जिसमें से 2 यूज़ नहीं करते हैं। यूज़ मतलब कि वो मेरी मदर इन लॉ का है, एक मेरे फादर इन लॉ का है, तो उन लोग का वो लोग खुद करते हैं, अपना देखते हैं। तो 3 अलमीरा जो था वो सारे को सरियाना करना, उसी में लगी हुई थी मैं। पूरा सोची नहाने से पहले थोड़ा सब कुछ ठीक कर ले, कुछ काफ़ी टाइम हो गया था मेरा सब कुछ अरेंज करते हुए। तो कितना भी सरिया के रखो ना फ्रेंड्स, सामान कपड़ा निकालते रखते ना, थोड़ा सा अस्त व्यस्त तो हो ही जाता है। और मुझे काम करते करते प्यास लगी तो मैं पानी पी ली, और मुझे प्यास लगते रहती है काम करती हूँ तो, इसलिए बोतल मैं अपने साथ में ले लेके घूमती हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहती हूँ। और आज मेरे बेटे का स्कूल में मैसेज आया था स्कूल से, आज छुट्टी है, बस सब RTO चेकिंग के लिए गए हैं, तो इस वजह से कोई बस अवेलेबल नहीं रहेगा, तो आज छुट्टी है। तो इसलिए भी मैंने सोचा कि चलो, वो आज घर पे है, वो TV देख रहा था, चलो ये काम मेरा रखा हुआ था काफ़ी टाइम से अरेंज करने का, चलो मैं कर लेती हूँ। नहीं तो फिर उसका स्कूल रहता है तो फिर नहीं हो पाता है, वो किचन और ये इधर उधर कहीं मैं काम में बिज़ी रहती हूँ। और सारा उधर का काम करने के बाद मैं बैठ गई, ये सब धुले हुए कपड़े थे वो भी सूख के रखे हुए थे, तो उसको मैं फोल्ड कर रही थी। और मेरा बेटा देखिए कितना मज़े से TV देख रहा है। फिर सारा कुछ अरेंज करने के बाद मैं सोचा चलो ड्रेसिंग टेबल भी थोड़ा अरेंज कर लिया जाए, वो भी मैं ही मतलब ठीक से रखती हूँ और मैं ही उलट पुलट कर देती हूँ, ठीक से सही सामान सही जगह पे नहीं रखना सही होता है। फिर वो करने के बाद फटाफट झाड़ू कर लेते हैं, जो मैंने सामने सामने पूरा गंदा कर दिया था। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपने डेली रूटीन की वीडियो सब डालूं, लेकिन वो हो नहीं पाता है, मिस हो ही जाता है। अल्टरनेट डे डालने की कोशिश करूँगी मैं। और मेरी वीडियो सब अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करिएगा ज़रूर। और मेरी वीडियो सब देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ कल आपसे।